फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो अल्लू अर्जुन से जुड़ी दो बड़ी अपडेट है। जहां बात करें पहले अपडेट की तो जैसा कि हमने फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि पुष्पा 2 के मेकर्स इस फिल्म के टीजर को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर यानी 8 अप्रैल 2024 को रिलीज करने वाले हैं। तो आज पुष्पा 2 के मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए कन्फर्म कर दिया है कि पुष्पा 2 का टीजर हमें 8 अप्रैल 2024 को देखने को मिलेगा। और इसी पोस्टर के साथ मेकर्स ने ये भी कन्फर्म कर दिया है कि अल्लू अर्जुन की ये फिल्म पोस्टपोन नहीं होगी बल्कि अपनी निर्धारित रिलीज डेट यानी 15 अगस्त 2024 को ही सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। आपको बता दें पुष्पा दी रूल पुष्पा दी राइज का सिक्वल होने वाली है जिसे डायरेक्टर सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल लीड रोल में देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे अल्लू अर्जुन और उनकी आने वाली फिल्म पुष्पा दी रूल के बारे में? रोल पुष्पा का। और वहीं बात करें अल्लू अर्जुन से जुड़ी दूसरी अपडेट की तो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर इटली कुमार की आने वाली फिल्म से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दूं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इटली कुमार की इस फिल्म में हमें समंथा रुथ प्रभु अल्लू अर्जुन के अपोजिट देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि अल्लू अर्जुन की इस अनटाइटल फिल्म से लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर इटली कुमार की ये फिल्म एक बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसमें हमें अनिरुद्ध रविचंद्रन का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। और वहीं कहा जा रहा है कि डायरेक्टर इटली कुमार इस फिल्म को सन पिक्चर्स के अंडर बनाने वाले हैं। अभी तक डायरेक्टर इटली कुमार और अल्लू अर्जुन की इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर इटली कुमार की इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर यानी 8 अप्रैल 2024 को हो सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर इटली कुमार की इस कॉम्बिनेशन के बारे में? रॉकिंग स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक को लेकर एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि हमने फिल्मी टॉक की वीडियो में बताया था कि करीना कपूर खान इस फिल्म में यश की बहन का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि करीना कपूर खान के अलावा इस फिल्म में हमें दो और एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी जहां पर इस फिल्म के लिए कियारा आडवाणी और श्रुति हसन का नाम बताया जा रहा है। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर टॉक्सिक के मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें टॉक्सिक के पीरियड एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे मलयालम डायरेक्टर गीतू मोहनदास डायरेक्ट करेंगी। और वहीं रॉकिंग स्टार यश की ये फिल्म हमें अप्रैल 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दूं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में कास्ट किया है और कहा जा रहा है कि भूल भुलैया 3 में माधुरी दीक्षित भूत के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगी और माधुरी दीक्षित अपने पोर्शन की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगी। आपको बता दें भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर अनीस बज्मी डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति ढिमरी विद्या बालन और माधुरी दीक्षित लीड रोल में देखने को मिलेंगी और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म हमें दिवाली 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के तीसरे पार्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का तीसरा पार्ट मूवी नहीं बल्कि एक वेब सीरीज होने वाली है जिसे डायरेक्टर रीमा माया डायरेक्ट करेंगी। और वहीं सीरीज के लीड रोल में हमें संजय कपूर की बेटी सनाया कपूर देखने को मिलेंगी। और वहीं सीरीज को करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनाया जाएगा जिसकी शूटिंग मेकर्स मिड 2024 से स्टार्ट कर देंगे और ये सीरीज हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखने को मिलेगी। आज अजय देवगन के जन्मदिन पर उनकी मच अवेटेड फिल्म मैदान के फाइनल ट्रेलर को रिलीज किया गया है और मानना पड़ेगा कि मैदान का फाइनल ट्रेलर मैदान के पिछले ट्रेलर से काफी अच्छा है जो कि दिखने में काफी दमदार लग रहा है। आपको बता दें मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्टर अमित शर्मा ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें अजय देवगन फुटबॉल कोच के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे और अजय देवगन की ये फिल्म हमें 10 अप्रैल 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आपको मैदान का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। आज मैदान में उतरना क्या रहा लेकिन दिखना एक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।